हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोयली में 430 बुजुर्गों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। कस्बे में शुक्रवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत परिसर में उपखंड अधिकारी हंसमुख कुमार ने वैक्सीन को लेकर आकस्मिक निरीक्षण कर बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन लगाने के बारे में अवगत किया। कोरोना की वैक्सीन को लेकर काफी लोग भ्रम फैला रहे हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत पर कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। ग्रामीणों को शुक्रवार को वैक्सीन लगाने का काम सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक किया गया। ANM अली वर्गीस ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह था। सुबह से ही बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। पहले दिन 430 बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा तक सभी को देखरेख में रखा गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं हुई। इस मौके पर सरपंच होजी देवी, उप सरपंच नैया रावल के साथ गांव के स्वास्थ्य कर्मी, BLO आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन के ग्राम पंचायत के कार्मिक मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए गोयली से गणेश मेघवाल की रिपोर्ट।